हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष गैजेट। और आज हम बात करने वाले हैं भाई एसी अपडेट के बारे में। अगर आप वो सुनेंगे ना तो भाई कहीं ना कहीं शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं सालार द सागा, उसी के साथ साथ NTR 31 के सिमिलर सेट के बारे में और भाई सालार द सागा के ऑफिशियल टीजर के बारे में कि वो ग्लिम्स आपको कब तक देखने को मिल सकता है, जिसके लिए वेट मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रहे हैं। और ये अलग ही लेवल का बिगेस्ट अपडेट है और काफी लोगों के सालार द सागा और NTR 31 के लिए काफी कमेंट आ रहे थे, लोग जानना चाह रहे हैं। और लिटरली मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि भाई दोनों मूवियों में काफी एक मतलब सिमिलर चीज होने वाली है। NTR 31 उसी के साथ साथ सालार के बारे में अपन और भी बात करेंगे कि आपको टीजर कब तक देखने को मिल सकता है अप्रोक्सीमेटली। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं ना भाई, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया ना तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे, क्योंकि हम इसे बैक टू बैक अपडेट लाते रहते हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई और बहनों, NTR 31 और सालार द सागा आपको तो मालूम है कितना ब्लास्ट मूवी होने वाला है, क्योंकि भाई इसे जो डायरेक्ट करे वन एंड ओनली प्रशांत नील सर, जिनका काम में कोई भी कमी नहीं निकाली जा सकती। क्योंकि जिस लेवल पे वो अलग ही लेवल का वाइब देते ना, चाहे वो एक्शन हो, थ्रिलर हो, ड्रामा, वो अलग ही लेवल के परोस कर देते हैं। वैसे आपको तो ये बात पता है ना कि भाई 2 से 3 दिन पहले श्रुति हसन मैम ने अपने इंस्टाग्राम पर एक प्रोफाइल शेयर, मतलब कि एक फोटो शेयर किया था, जहां पर उन्होंने बताया था कि जो सालार द सागा में जितना भी उनके सीन थे वो सारे कंप्लीट हो गए, यानी कि उनका शूट कंप्लीट हो गया है सालार द सागा का। लेकिन जो सालार द सागा का जो सेट होने वाला है, जहां पर मूवी का शूट चल रहा है, जी हाँ, तो NTR 31 में भी आपको सेम ही सेट देखने को मिलेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं बताए जा रहे मूवी की टीम का जो कहना है। और अब बस मूवी को कुछ ही दिन बचे हैं, उसके बाद शूटिंग कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही जल्दी आपको इसका टीजर देखने को मिल जाएगा। और भाई जो सालार द सागा का टीजर जो आपको देखने को मिल सकता है, वो देखने को मिलेगा भाई अप्रैल मंथ के मिड में देखने को मिल जाएगा। और ये ऐसा भुकाल होने वाला है, एक अलग ही लेवल का बवाल होने वाला है, जिसके लिए फैंस काफी लंबे समय से वेट कर रहे थे। और यार सच में ये कहीं ना कहीं नील वर्स के लिए काफी बड़ा बिगेस्ट अपडेट है, क्योंकि भाई मैंने ये नहीं सोचा था, मैंने तो ये सोचा था कि भाई सालार द सागा का सेट अलग होगा, NTR 31 का सेट अलग होगा। लेकिन जब ये अपडेट निकल कर आया कि दोनों मूवी का सेट एक ही होने वाला, भाई मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि भाई अब प्रशांत नील सर भाई क्या बनाने वाले हैं, क्या दिखाने वाले हैं इंडियन सिनेमा को। लेकिन ये बात तो पक्की है कि भाई वो जो भी दिखाएंगे बवाल दिखाएंगे, जिसमें आपके गूज बम खड़े हो जाएंगे। और लिटरली मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। सालार द सागा उसी के साथ साथ NTR 31 के एक ही सेट होने वाला है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है और आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, डू लेट मी नो थ्रू कमेंट। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल पे भाई फर्स्ट टाइम विजिट किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे, और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करा दीजिए, ताकि एक लाइव स्ट्रीम हो जाए मेरी आपके साथ। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, तो आकर मैसेज कर सकते हैं, फिर क्वेरी कर सकते हैं कोई भी मूवी के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।